वेलकम बैक टू माई YouTube चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। और आज मैं बहुत दिनों बाद वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि ये मेरा बर्थडे मंथ था तो मैं थोड़ी सी बिजी थी, जिसकी वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाई। बट कोई बात नहीं, आज मैं ये वीडियो बना रही हूँ कि किस तरह से मैंने अपने बर्थडे के दिन ये मेकअप किया है। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं कि किस तरह से मैंने ये मेकअप किया है आज का। पर जाने से पहले, आप लोग को तो ड्रिल पता ही है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, मेरे वीडियोस को लाइक करिएगा और जितना हो सके उतना शेयर करिएगा, ताकि मैं और भी अच्छे अच्छे कंटेंट आप लोगों के लिए ला सकूं। तो देर किस बात की, चलिए चलते हैं। क्योंकि आज ये एक स्पेशल डे है, तो आज मैं अपना फेवरेट मॉइस्चराइज़र यूज़ कर रही हूँ, जो कि है क्लिनिक का मॉइस्चराइज़र। जैसे कि आपको पता है, स्किन में बहुत जल्दी एब्जॉर्ब हो जाता है। ये एक लाइट वेट मॉइस्चराइज़र है और इससे स्किन बहुत ही अच्छे से मॉइस्चराइज भी हो जाती है। कंसीलर में मैं यूज़ कर रही हूँ LA Girls का प्रो कंसीलर। ये कंसीलर मैं पहले भी यूज़ कर चुकी हूँ। ये बहुत इजीली ब्लेंड हो जाता है, बहुत स्मूथ है और आपके जितने भी पिगमेंटेशन हैं या डार्क सर्कल्स हैं, वो उसको बहुत अच्छे से कवर भी कर देता है। क्योंकि ये बहुत लाइट वेट है, तो मुझे ये कंसीलर बहुत अच्छा लगता है। इसे आप अच्छे से ब्लेंड कर लें। फाउंडेशन के लिए आज मैं यूज़ कर रही हूँ मेकअप रेवोल्यूशन का फाउंडेशन स्टिक। ये मैं फ़र्स्ट टाइम यूज़ कर रही हूँ। इसे मैं बहुत टाइम से परचेज़ करना चाहती थी, क्योंकि इसका रिव्यू मैंने बहुत पढ़ा था, बहुत जगह देखा भी था कि ये बहुत अच्छा फाउंडेशन है। तो आज मैंने सोचा कि क्यों ना अपने बर्थडे के दिन एक न्यू फाउंडेशन ट्राई किया जाए। जैसा कि मैं फील कर रही हूँ, ये एक लाइट वेट फाउंडेशन है और ये बहुत अच्छे से ब्लेंड भी हो जा रहा है मेरे स्किन पे। आईब्रोज के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ बेनिफिट का माई ब्रो पेंसिल। ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, बट ये बहुत ही नेचुरल फिनिश देता है और ये बहुत लॉन्ग लास्टिंग आईब्रो पेंसिल है। ब्रोज हमारे लुक को बिल्कुल ही चेंज कर देती है, तो इसीलिए आप अपने आईब्रोज को एक अच्छा शेप दें। लिप बाम में मैं यूज़ कर रही हूँ लिनेश का लिप बाम। मेरे लिप्स आज बहुत ही ड्राई थे और ये लिप बाम बहुत ही थिक और मॉइस्चराइजिंग है, इसलिए मैं आज ये लिप बाम यूज़ कर रही हूँ। आज मैं यूज़ कर रही हूँ हुडा ब्यूटी का मर्क्यूरी रेट्रोगेट आई शेडो पैलेट। ये मेरी सिस्टर ने मुझे बर्थडे पे गिफ्ट किया है। इसके सारे कलर्स बहुत ही प्रिटी है। इसी के साथ उसने मुझे आई शेडो ब्लेंडिंग ब्रश का सेट भी गिफ्ट किया है। थैंक यू सो मच दी। सबसे पहले मैं ये शेड ले रही हूँ और इसे अपने पूरे लिड एरिया में लगा रही हूँ इस तरह से। अब यहाँ भी इसे अच्छी तरह से ब्लेंड कर ले। अब मैं ये डार्कर शेड अपने क्रीज एरिया और अपने आउटर वी कॉर्नर पे अच्छे से ब्लेंड कर ले रही हूँ। इसी तरह से आप अपने दूसरे आंख पे भी इसे अच्छे से ब्लेंड कर ले। अब मैं इस शिमरी शेड को अपने पूरे आईलेट पे लगा रही हूँ, ताकि एक अच्छा लुक मिले। मैं यहाँ अपने फिंगर्स का यूज कर रही हूँ, आप चाहे तो आप ब्रश का भी यूज कर सकते हैं। अब इसे दूसरे आंख पे भी आप अच्छे से ब्लेंड कर ले। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इसके सारे कलर्स बहुत ही पिगमेंटेड है। हुडा ब्यूटी के सारे ही पैलेट्स के कलर पिगमेंटेड रहते हैं, बट जैसा मैंने पढ़ा था, इसके रिव्यू में लिखा था कि सारे पैलेट्स में सबसे ज़्यादा पिगमेंटेड इसी के कलर्स हैं, और ये बात बिल्कुल सच है। इसके कलर्स बहुत ही पिगमेंटेड है और ये बहुत ईजिली ब्लेंड हो जा रहा है। अब मैं यहाँ वही डार्कर शेड जो अपने क्रीज एरिया पर लगाया था, वो अपने लोअर लैश लाइन पर यूज़ कर रही हूँ और उसे अच्छी तरह से ब्लेंड कर ले रही हूँ। अब मैं यहाँ उसी LA Girl के कंसीलर से जो भी एक्सेस फॉल आउट हुआ था, उसे कंसील कर रही हूँ। इसे भी आप अच्छे से ब्लेंड कर लें। आज मैं वेट एंड वाइल्ड का कंटोरिंग पैलेट यूज़ कर रही हूँ। ये मैं फ़र्स्ट टाइम यूज़ कर रही हूँ। इसके भी मैंने बहुत अच्छे रिव्यूज़ पढ़े थे, तो मैंने सोचा क्यों ना आज इसे भी ट्राई कर लिया जाए। इस कंटोरिंग पैलेट में हमें दो चीज़ें मिल रही है, एक है अंडर आई पाउडर और एक है कंटोरिंग पाउडर। आज मैं कंटोरिंग पाउडर का ही यूज़ कर रही हूँ और जैसे कि मैं देख पा रही हूँ, ये बहुत इजीली ब्लेंड हो जा रहा है। बिगनर्स के लिए ये एक अच्छा कंटोरिंग पैलेट है। आज मैं मेबेलिन न्यूयॉर्क फिट मी ब्लश यूज़ कर रही हूँ और मेरा शेड है रोजी न्यूड।
इसे भी मैं फर्स्ट टाइम यूज़ कर रही हूँ और जैसा कि मैं देख पा रही हूँ ये बहुत ही नेचुरल लुक दे रहा है। अब मैं यहाँ अपना फेवरेट मैक का हाइलाइटर अपने हाई पॉइंट्स पे यूज़ कर रही हूँ। सारे प्रोडक्ट के लिंक्स मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। यहाँ अपने आईज़ के इनर कॉर्नर को भी मैं हाईलाइट कर ले रही हूँ। मस्कारा के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ स्मैश बॉक्स का सुपर फैन मस्कारा। इसे मैं बहुत टाइम से यूज़ कर रही हूँ और ये बहुत ही अच्छा वॉल्यूम देता है एंड ये लॉन्ग लास्टिंग भी है। लिपस्टिक के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ हुडा ब्यूटी का डेमी मैट लिपस्टिक और मेरा शेड है शिखा। मेकअप सेट करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ मैक का सेटिंग स्प्रे एंड आई एम डन।